नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत टिकरिया लखना बाबा ग्राउंड में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को किया जाएगा, जिसके आयोजक उमेश कुमार यादव फौजी ने कहा, लखना बाबा ग्राउंड यहां से सैकड़ों युवा निकलकर फौज में सेवा कर रहे हैं और इसी को हर साल हम लोग 26 जनवरी को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं, जिसमें बालक वर्ग 800 मीटर 1600 मीटर 3000 मीटर और बालिका 800 मीटर 1500 मीटर दौड़ की रनिंग रखी जाती है। प्रथम पुरस्कार 5100, द्वितीय पुरस्कार 3100, तृतीय पुरस्कार 2100 दिया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भूपेंद्र शुक्ला जीएसटी कमिश्नर उत्तर प्रदेश और राजेश मसाला जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी विधानसभा 188 से पूर्व मंत्री एवं विधायक विनोद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि अखिलेश प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य हंसराज यादव, रंजीत यादव, विजय श्याम यादव, दादा ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि अनिरुद्ध यादव, लक्ष्मी नारायण तिवारी प्रधान, हरीश चंद्र मौर्य प्रधान, अरविंद वर्मा पूर्व प्रधान, दयाराम यादव पूर्व प्रधान, आयोजक जगन्नाथ यादव, फौजी उमेश यादव, फौजी महेंद्र यादव, बबलू कृपाशंकर, अनुराग यादव, समाज सेवी अरविंद यादव, युवा नेता राजेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। मैं उमेश फौजी भाई ग्राम सभा के सराय का निवासी हूँ। लखना बाबा ग्राउंड ये बहुत पुराना ग्राउंड है। 2007 में हमारे बड़े भैया थे जगन्नाथ फौजी, उनके द्वारा ये ग्राउंड का निर्माण हुआ था। और इस ग्राउंड से जो समथिंग 300 से अधिक भारतीय सेना अर्धसैनिक बल और पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये ग्राउंड का जहां तक बात किया जाए, पहले था तो यहां पे इतना ज़्यादा भाई रे था, इतना बड़ी व्यवस्था नहीं थी और उसी के तहत अभी बना था। अभी ये ग्राउंड ना तो इस ग्राउंड को कोई इतना ज़्यादा महत्व दे के खेल ग्राउंड के रूप में भी किसी ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया कोई नेता नगरी मिलके। और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर रनिंग प्रतियोगिता कराई जा रहा है और उसका मेन उद्देश्य यही है कि अभी जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं माननीय श्री भूपेंद्र शुक्ला जीएसटी कमिश्नर अपने उत्तर प्रदेश के हैं और मंत्री विनोद सिंह विधायक जी अपने सुल्तानपुर के प्लस राजेश मसाला जी आ रहे हैं, तो इनसे सबसे विनम्र यही रहेगा, निवेदन यही रहेगा कि आए और इस ग्राउंड को खेल ग्राउंड के रूप में पास कर दें, जिससे आने वाले युवाओं के लिए खेल का एक स्रोत बना रहेगा। और हर क्षेत्र में जैसे अभी फौज में ही देख लीजिए, फिजिकल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और फिजिकल करने के लिए जगह ही आपके पास पर्याप्त नहीं होगी तो आप करोगे क्या, और जब तक जगह नहीं पर्याप्त होगी तो भाई कर नहीं सकते, ना आप फिजिकल पास कर पाओगे ना कुछ, और उसके लिए ग्राउंड होना ज़रूरी है। अगर यही मंत्री जी से और जितने भी मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं उनसे सब हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस ग्राउंड पर आप लोग आई, आपको बहुत आभारी रहेंगे हम लोग पूरे युवा जितने भी हैं, आप लोग आइए और इस ग्राउंड को सिर्फ इतना कर दीजिए कि खेल ग्राउंड के रूप में पारित कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय पर युवाओं के लिए बहुत अच्छा खेल का स्रोत मिले। और जगन्नाथ भैया और इस ग्राउंड से लगभग इतने कई सेनाओं के, चाहे आरटी रेजिमेंट से ले लो, चाहे मैकनाइज रेजिमेंट ले लो, चाहे कुमाऊँ ले लो, हर रेजिमेंट में फैले हुए हैं। और जहाँ अभी लखना बाबा की बात आती है तहाँ तो इस ग्राउंड के नाम पर ही इतना ज़्यादा जोश और जज्बा हो जाता है, जहाँ पे भी जाते हैं अव्वल से अव्वल दर्जे का कार्य करके, यहाँ से निकले हुए बंदे अव्वल से अव्वल दर्जे का कार्य करते हैं। और बस यही है, बाकी अभी युवाओं को देखते हुए अभी खेल का प्रतियोगिता कराई जाती है, जिससे कि युवाओं के अंदर एक खेल की भावना आए और हर चीज़ के लिए वो तैयार रहें, इसलिए थोड़ा सा ये। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस गाँव अंचल पर हम सब की आवाज़ उठाने के लिए कम से कम आप आए और यहाँ के बारे में जाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखना बाबा ग्राउंड आज हमको लगभग 400 फौजी इस देश के लिए जो सेवा कार्यरत हैं अपनी प्राण निछावर करने के लिए वहां पर हमेशा डटे रहते हैं रात दिन 24 घंटा चाहे आंधी तूफान बारिश। तो मैं आपको इसी माध्यम से बताना चाहता हूं 26 जनवरी का ये भव्य कार्यक्रम हमेशा उमेश भाई फौजी हैं और जगन्नाथ भाई हमारे जो इस ग्राउंड के हमेशा अगुआ कहें उनको, जो कि प्रेरणा स्रोत कहें उनको युवाओं के, जो ये गांव में अपना एक खेल का मैदान हम सभी इन्हीं के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने इस ग्राउंड को काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, जहां हमको फौजी पुलिस और काफ़ी अच्छे अच्छे खेलों में गए हैं। तो मैं यही माध्यम से अपनी बात यही कहना चाहूँगा कि
यहाँ के जो युवा हैं काफ़ी निराश रहते हैं कि ये ग्राउंड कभी भी किसी रूप में अभी हो नहीं पाया है, ये सरकार की मान्यता नहीं मिल पाई। तो मैं चाहूँगा जो भी हमारे मुख्य अतिथि आए हैं आएंगे तो 26 तारीख को मैं उनसे यही निवेदन आग्रह करना चाहूँगा इन सब के माध्यम से जो अपनी बात रखना चाहेंगे आएंगे तो, कि इसको उनसे निवेदन आग्रह और हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये ग्राउंड सरकार के माध्यम से पास कर दिया जाए। उनकी बहुत बहुत आभार रहेगा, हम जीवन भर उनका आभारी रहेंगे। और ये कार्यक्रम हमेशा भव्य तरीके से होता है और यही इसी आयोजन से कितने एथलीट निकलते हैं और ये युवाओं में हमेशा आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे एथलीट हमेशा रहे हैं। और युवा से चाहे जिसको देख लिया जाए, आज नरसिंह यादव हुए और तमाम प्रकार के एथलीट, और आप इसी ज़िले से देखिए हमारे दो फौजी शहीद हुए हैं कारगिल में। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूँ, बस इसलिए धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।